मेरे पति को पेशाब करा है और ना जाने क्या क्या हरकत की है। एमपी सीधी पेशाब कांड की ही तरह भोपाल के गांव में दलित युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, फिर आरोपियों ने उसके चेहरे पर पेशाब किया। इस घटना का मुख्य आरोपी बीजेपी का कार्यकर्ता और विधायक रामेश शर्मा का नजदीकी बताया जा रहा है। सीधी पेशाब कांड की तरह राजधानी भोपाल से एक मामला सामने आया है, जहां एक दलित युवक को पहले बेरहमी से पीटा गया, बाद में आरोपियों ने उसके चेहरे पर पेशाब कर दिया। इस मामले में फिलहाल पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, वहीं जो पीड़ित है उसका अस्पताल में उपचार किया जा रहा है। दरअसल भोपाल के चौपड़ा कला गांव के सरपंच पति ने अपने साथियों के साथ मिलकर गांव के कोटवार को पहले लात घूसों से जमकर पीटा, इसके बाद उस पर पेशाब कर दिया। पीड़ित ने आरोपियों को सरकारी जमीन पर कब्जा करने से रोका था, इससे नाराज सरपंच पति और उसके साथियों ने उसे कार से अगवा कर लिया, फिर एक कमरे में बंद कर उसके साथ मारपीट की। पिटाई के कारण घायल हुए दलित युवक का अस्पताल में इलाज जारी है। 15-20 लोग थे, 7 लोगों के नाम मालूम थे, तो मेरे सातों को करा दिए थे। सरकारी जमीन पर फेंसिंग कराए थे वो लोग। शेरुमीना और उनके साथ ही लोग थे, हाँ BJP के हैं सब लोग। क्या आपको दिक्कत आ रही है अस्पताल में? मैं तो सीने में और दर्द है, और हाथ पैरों में दर्द है, सर में दर्द है, चोट लगी है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप उन लोगों को जिनने मारपीट करी है, इस तरीके का अभद्र व्यवहार किया? FIR तो दर्ज करवा दी थी, अब क्या कार्रवाई चल रही है वो तो वही जाने। घटना 10 सितंबर की है। पीड़ित के भाई ने बताया कि गांव का भाजपा कार्यकर्ता और सरपंच का पति शेरुमीना ने उसके भाई से मारपीट की है। मारपीट करते वक्त जब वह बेहोश होने लगा तो आरोपियों ने पीड़ित दलित युवक के चेहरे पर पेशाब भी किया। घटना ये हुई कि रविवार के दिन पटवारी का फोन आया कि जो सीलिंग की जमीन है सरकारी, उस पर शेरुमीना फेंसिंग कर रहा है। तो भैया को सूचना मिली तो भैया यहाँ से फेंसिंग के लिए हटवाने के लिए वहाँ गए। तो वहाँ जब बोला कि भाई ये फेंसिंग ना की जाए, ये शासकीय भूमि है, तो शेरुमीना, लेखराज मीना और उसके कुछ साथीगण उन पर मारपीट करने लगे कि तू कौन होता है यहाँ पे बोलने वाला या ये कहने वाला कि तुझे कैसे पता। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे हुई। वहाँ पे उन्होंने मारा, बंधक बना के उन्हें स्कॉर्पियो में संजीव नगर लेके मारते हुए, और वहाँ भी मारा उन्होंने, इतना मारा कि वो बेहोश हो गए और ऐसी हालत में उन पर पेशाब की और उनके साथ हथियारों से मारपीट की, जिससे वो बेहोश हो गए। 3-4 घंटे बाद उन्हें होश आया, तब वहाँ के कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें छुड़ाया और ये लीलावती हॉस्पिटल के पास उन्हें छोड़कर चले गए। वहाँ से फिर मैं और मेरे रिश्तेदार वहाँ पर पहुँचे और वहाँ से उन्हें लेकर सीधे थाने पहुँचे, वहाँ पर हमने FIR करवाई। मंगलवार को पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, यहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों ने मारपीट तो की है लेकिन पेशाब नहीं की। इधर पीड़ित की पत्नी
आशा अहिरवार का कहना है कि उन्हें अब शिकायत वापस लेने के लिए धमकी दी जा रही है। आशा ने कहा कि गांव में जातिगत भेदभाव के चलते यह घटना हुई है। शेरू सरपंच पति जो है ना, उनके जो आदमी हैं वो हमें तरह तरह की धमकियां दे रहे हैं फोन लगा लगा के। हमारे मोहल्ला पड़ोस के जो पड़ोसी हैं वो हमारे पास बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, पूछने हालचाल पूछने आ रहे हैं, तो उनसे बोल रहे हैं कि तुम लोग जाओगे उनसे हाथ मिला के, मतलब उनके सपोर्ट करोगे तो तुम्हें फोड़ फोड़ के मारेंगे, एक एक करके मारेंगे हम। अब हमारे जो भतीजे हैं, देवर हैं, ये लोग आते जाते हैं तो उन लोगों को भी डांटते हैं, रोड पे जाते हैं, रोड पे भी धमकियां दे रहे हैं कि तुम लोग वहाँ जाओगे, रामस्वरूप से बात करोगे, मिलोगे, उनके साथ दोगे तो तुम्हें मारेंगे हम। वो छियाछोत बहुत ज़्यादा करते हैं हमसे कि ये चमार हैं, भंगी हैं, भसोड़े हैं, ऐसे कहते हैं, क्या क्या बोलते हैं, अजीब अजीब सी हरकतें करते हैं। वो कहते हैं कि इनको यहाँ से हटाएंगे। और चौकीदार हैं तो मंदिर में अगर हम पूजा करने भी जाते हैं तो मंदिर में भी नहीं जाने देते हमें, तो वो कहते तुम चमार हो, छीत करते हैं हमसे वो। इसके पहले भी सीधी में बीजेपी पदाधिकारी ने एक आदिवासी युवक के चेहरे पर पेशाब किया था। एनसीआरबी के आंकड़ों में मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अपराध दलित और आदिवासियों के खिलाफ हो रहे हैं, बावजूद इसके अपराधों पर अंकुश लगाने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। दमूक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।